नेटवर्क अनुमंडल समाता विजय कुमार के साथ। प्राकृतिक का ये बहुत बड़ा कहर बरपाया गया है रात्रि को, आइए हम जानते हैं कब और कैसे क्या हुआ है। आप पहले तो अपना परिचय दें। थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए, क्या परिचय दे अपना। मैं चांदकड़ी पंचायत के मुखिया पति कुंदन कुमार बोल रहा हूँ। ये मुखिया पति जी हो गए, और आइए इनसे जानते हैं कि इनके पंचायत में कै बजे और कितने बजे ये दुर्घटना हुआ है, आग के द्वारा कितना क्षति हुआ है, क्या हुआ है विशेष रूप से। 2 बजे का लगभग में ये आग लग रहा है दुमे परमानंदपुर में चांदकड़ी पंचायत। आ गया जी कैमरा मैन। वीडियो साहब से सीओ साहब से मांग है कि लोग का मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। सीओ साहब के आपने फोन किया अभी तक? सीओ साहब के फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। और यहाँ के कर्मचारी को अभी नहीं लग रहा है फोन। दोनों यहाँ पर सीओ साहब का भी और कर्मचारी साहब का भी, दोनों आदमी का स्विच ऑफ है मोबाइल। वो मोबाइल 2 घंटा से मैं भी ट्राई कर रहा था उनके मोबाइल पर, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या सरकारी नंबर 24 घंटा चालू रहना चाहिए या 12 घंटा बंद रहना चाहिए और 12 घंटा चालू रहना चाहिए, विशेष रूप से बताइएगा मुखियापति जी कि यहाँ पर क्या क्या क्षति हुआ है, कौन कौन चीज़ का क्षति हुआ है, नगद कितना, क्या कपड़ा, क्या मतलब क्या क्या क्षति हुआ है। यहाँ पर ट्रंकल भी जर गया है, अनुमान इनमीडिया भी जर गया है, और लाखों का संपत्ति नुकसान हो गया है। अब 75,000 रुपये शादी के लिए रखे हुए थे जल ले जाने के लिए पैसा, वो भी जल गया। आप क्या आपका जला है? जी मेरा जला है। आपका घर जला है? जी मेरा घर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमेध दास हुआ, मेरे बड़े भाई का नाम महेश दास हुआ, और छोटा का रूपेश और विकास, और 4 भाई का मेरा घर जला है, जिसमें और आदमी है, और स्वर्गीय रामकिशन दास है उनका लड़का का भी, 4 लड़का है तो उनका भी घर जला है, और विनोद दास स्वर्गीय विनोद दास है उनका भी घर जला है, जिसमें और कल के डेट में हम लोग 1 तारीख के डेट में जाने के प्लान में थे, अपने बहन के लिए शादी था वहाँ, बहन की लड़की का, तो वहाँ जाने के लिए तो मेरा 12 भाई हर एक सामान खरीद कर और उनके लाए थे अपने बहन के शादी में जाने के लिए। मोटा मोटी उसने 30,000 रुपये का जेवर खरीद कर लाए थे और 55,000 रुपये कैश रखे थे जाने के लिए, और मेरे पास ओनली कैश था मेरे पास 75,000 रुपया, समझे। और मेरा छोटा भाई का रुपेश है, उसका भाव के पास मेरा 10,000 रुपये उसका कैश जला है, और उसका जितना जो गहना गुड़िया था 30-40,000 का वो जल गया, और मेरा भी जो पत्नी का गहना गुड़िया था वो भी जल गया। मेरा छोट भाई एक विकास कुमार है, उसका पत्नी यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसका यही अलमीरा है, देखिए इसी में टोटल सामान रखा हुआ था, टोटल उसका गहना गुड़िया था वो भी जल गया। मेरा छोट भाई एक विकास कुमार है, उसका पत्नी यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसका यही अलमीरा है, देखिए इसी में टोटल सामान रखा हुआ था, टोटल उसका गहना गुड़िया, उसका 60,000 रुपये गहना गुड़िया रखा हुआ था, सारा जल गया। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से कागज पत्र और दिखाइए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जमीन का कागज भी एक नहीं बचा हुआ है यहाँ, और गहना का कितना क्षति हुआ है, कितना पैसा अंदाज। आज मेरा जो है ना, मेरा समझिए कि मेरा एक सामान नहीं बचा है, मेरा टोटल क्षति हो गया, लेकिन मेरा जो पैसा जो क्षति हुआ है, तो जिसमें मेरे 12 भाई का क्षति है 55,000 रुपया और 30,000 रुपये का गहना है जी, जो बहन की शादी में बेटी को उनको देने के लिए जा रहे थे, और मेरा है, मेरा 75,000 रुपया कैश जला है, उसके अलावे मेरा पत्नी का भी 30,000 रुपये का मोटा मोटी जेवर, मेरा 30,000 रुपये का जेवर था वो भी जल गया। मेरा एक भी सामान जो है, एक बच्चा का एक छोटा सा एक चड्डी तक नहीं निकल पाए हैं हम। जमीन का कागज ऑल टोटल जल चुका है, मेरा गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है वो भी जल चुका, जितना डॉक्यूमेंट था वो ऑल टोटल जल चुका, एक भी सामान मैं नहीं निकाल पाया हूँ। आप लोग के सामने नजर है मेरा पूरा समाज है, देखिए उस समाज से भी पता कर लीजिए टोटल। इस जगह कितना घर जला है? इस जगह घर जला है 10 घर जला है, 15 से 20 घर, एक सेकंड, 8 घर और 8 घर 16 घर, और उधर 2 घर, 16, 2, 18 घर जला है, 18 घर जला है। ये देखिए प्राकृतिक का कैसा ये आगलगी के कारण ये लोग रोड पर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पे चावल भी एक नहीं बचा है, आलू चावल आपको बता दे, गेहूं आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क से अनुमंडल संवाददाता विजय कुमार के साथ। आप देख सकते हैं प्राकृतिक का ये बहुत बड़ा कहर बरपाया गया है इन गरीबों पर। धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सीओ साहब का भी
नंबर अभी बंद आ रहा है, जो सरकारी नंबर 24 घंटा सरकार का नियम है कि 24 घंटा सरकारी नंबर चालू रखना है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी साहब और सीओ साहब का भी नंबर बंद आ रहा है। मैं दो घंटे से ट्राई कर रहा था, और यहाँ के जो नेतागण भी हैं जो बोलते हैं कि हम आरजेडी से हैं वगैरह से हैं, उनका भी नंबर मैं ट्राई कर रहा था लगातार। पृथ्वी राय जी का भी मैं ट्राई किया हूँ नंबर, लेकिन यहाँ पर उनका भी नंबर लग रहा है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों से मैं विदा लेता हूँ, विराम लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीओ साहब इस पर जल्द से जल्द जाँच करके इन गरीबों का उद्धार करें। जय हिंद, जय भारत।